हाय एवरीवन, आइए समझते हैं इत्र कैसे बनते हैं। आपको मैं बता दूं, इत्र जो है खासकर मुसलमानों का ये बहुत ही पसंदीदा ये अमल होता है, क्योंकि ये एक सुन्नत होता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो है खुशबू लगाया करते थे, जिसे इत्र कहते हैं। देखिए, पुराने समय में फूलों के रस से बना इत्र का प्रयोग सिर्फ राजा महाराजा करते थे। आज इसका उपयोग काफ़ी आम हो गया है और इसे बनाने के तरीके भी बदलाव में भी बदलाव आया है। पहले फूलों का तेल कुछ खास प्राकृतिक, यहाँ पर प्राकृतिक गलत लिखा हुआ है, आप लोग जानते होंगे प्राकृतिक कैसे होता है, इस तरह होता है प्राकृतिक, प्राकृतिक इस तरह होता है, ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक, प्राकृतिक पदार्थों से बनी खुशबू को निश्चित अनुपात में मिलाकर इत्र बनाया जा तैयार किया जाता है। ठीक है, ओके, इस तरह आप खुद से पढ़ लेना, और भी है। एक मिनट, मैं आपको यहाँ पे निशानी कर देता हूँ। एक मिनट, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक, वीडियो को पॉज करके खुद से पढ़ लेना। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ यार, यहाँ से स्टार्ट है, इस तरह आप यहाँ पर पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके। पूरा हो गया, सो थैंक यू।